डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ जी सी यू लाहौर डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर में शामिल है लिपो प्रोटीन्स प्रोस्टाग्लैंड और स्टीरोल्स सबसे पहले देखते हैं लिपो प्रोटीन्स लिपो प्रोटीन्स र द कंबिनेशन ऑफ लिपर्ड्स एंड प्रोटीन यानी ये, ये लिपर्ड्स और प्रोटीन के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं एक्चुअली लिपर्ड्स वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोलुबल होना चाहिए लिपर्ड्स आर इनसॉलुबल इन वाटर लेकिन जब लिपड की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है तो इट शोड बी सोलुबल इन वाटर इसी वजह से लिपड्स को प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करके लिपो प्रोटीन बनाई जाती हैं लिपो प्रोटीन आर सोलुबल इन वाटर तो लिपो प्रोटीन फिर लिपड्स को कैरी करती हैं जहां इसकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाती हैं तो एक्चुअली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे आर कॉन्जुगेटेड विद प्रोटीन टू फॉर्म लिपो प्रोटीन मीडिया। अब लिपड्स के साथ जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको कहते हैं एपोप्रोटीन लिपड्स दो तरह के हो सकते हैं या तो टोटली नॉन पोलर हो सकते हैं जैसा कि स्टीरोड्स वगैरह हैं या फिर एम पैथिक हो सकते हैं यानी उनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स हो सकते हैं जैसा कि हैं, तो में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स मौजूद होते हैं लिपोप्रोटीन, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये लिपोप्रोटीन का इनर कोर है दिस इज कोर और इस कोर में देर आर एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ये जो हमें नजर आ रहे हैं येलो कलर में ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं यानी ये येड कोलेस्ट्रॉल है इसी तरह ये जो ब्लैक कलर में हमें नजर आ रहे हैं ये ट्राई असाइल गोल हैं ट्राई ग्लिसराइड है। ये इसकी जो सुपरफिशियल लेयर है इसमें भी लिपिड्स मौजूद हैं ये ब्लू कलर में जिसमें इसका हेड भी शो हो रहा है वो जो लिपर्ड हैं फॉस्फो इनका जो हेड है वो पोलर होता है और वो बाहर वाली साइड पे होगा एक्वस मीडिया की तरफ जबकि इसकी जो टेल है वो सेल के अंदर वाली साइड होगी अवे फ्रॉम एक्वस मीडिया इसके अलावा इस सुपरफिशियल लेयर में हमारे पास नॉन स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल है जिसने एस्टर बना रखा है जिसके साथ फैटी एसिड अटैच हो चुका है वो एक कोर में है जबकि जो नॉन स्टेरिफाइड है वो सुपरफिशियल लेयर में मौजूद है इसके अलावा यहाँ पर दो तरह की प्रोटीन्स भी हैं एक जो सरफ़स के ऊपर मौजूद होती हैं दीज आर एपो प्रोटीन्स और जो इस तरह पेनिट्रेट कर जाती हैं इसका इंटरग्रल पार्ट बन जाती हैं उनको कहते हैं इंटरग्रल इंटेगर एपो प्रोटीन्स तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपो प्रोटीन नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डेंसिटी की बेस पे हम क्या करते हैं लिपोप्रोटीन की अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं जैसा कि देखिए फैटी एसिड और अलब्यूम हैं ये सबसे नीचे बैठ जाते हैं जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की डेंसिटी इनसे कम होती है फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की डेंसिटी और कम हो जाती है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लास्ट में हमारे पास काइलो माइक्रॉन्स बच जाते हैं जिनकी डेंसिटी 0.95 से भी कम होती है तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर में होते हैं काइलो माइक्रॉन्स सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले फैटी एसिड प्लस अल्ब्यूमन यानी फैटी एसिड अल्ब्यूमन के साथ कंजुगेट होते हैं तो एक तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेसिस ऑफ डेंसिटी फिर हम इनको क्लासिफाई करते हैं है, तो ये कितना इलेक्ट्रोफ्रेटिक जो मोबिलिटी है या इसको हम चार्ज ये डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे या चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है ये हमारे पास है इलेक्ट्रो फ्रेसिस uh, इनका इलेक्ट्रो जो हमारे पास है फ्रेटिक मोबिलिटी है कि ये कितना मूव करते हैं अगर आप देखें तो जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये ओरिजिन पे ही पड़े रहते हैं और सबसे ज्यादा जो है हमारे पास वो फैटी एसिड और अल्ब्यूमन मूव करते हैं वो चले जाते हैं पॉजिटिव पार्ट की तरफ इसका मतलब है ये जो ज्यादा पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा उसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफ्रेटिक मोबिलिटी नेक्स्ट है हमारे पास लिपोप्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टीज ये हमारे पास लिपो हैं सबसे पहले काइलो माइक्रॉन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन फिर है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इनकी कंपोजिशन है इसमें आप देख सकते हैं काइलो में 85 फाइव परसेंट ट्राईसाइल ग्लिसरोल है तो सब में ही सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है इसमें काइलोमाइक्रॉन और वेरी लो डेंसिटी वाले में जो ज्यादा परसेंटेज है वो परसेंटेज है ज्यादा इनमें ट्राईसाइल ग्लिसरोल की अगर हम इंटरमीडिएट और लो डेंसिटी प्रोटीन में देखें तो इनमें ज्यादा परसेंटेज है इसमें कोलेस्ट्रॉल की और अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में देखें तो ज्यादा परसेंटेज की है। तो इनमें डिफरेंट परसेंटेज है। ट्राइसाइल ग्लिसराइल पहले दो में ज्यादा जो, जो है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में फॉस्फोलि कोलेस्ट्रॉल से थोड़े से ज्यादा होते हैं ये कंपोजिशन है हमारे पास लिपोप्रोटीन की नेक्स्ट है

और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का सोर्स ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपो हैं दे आर द प्रोडक्ट कैटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपो और इसी तरह जो एल डी एल है दे आर आल्सो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपो वाया इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपो और जो हाई डेंसिटी लिपो हैं ये लीवर इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होते हैं और इसके अलावा आर कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ काइलो एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर हम इनके प्रिंसिपल फंक्शन चेक करें तो जो हमारे पास काइलो है ये ट्रांसपोर्ट करता है एक्सोजीनिक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड की जो हमारे पास आईडीएल है ये प्रिकर्सर है एलडीएल का और जो हमारे पास एल डी एल है ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को जबकि एच डी एल बिल्कुल उसके रिवर्स जो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है इसका फंक्शन है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंड प्रोस्टाग्लैंड जो हैं प्रोस्टाग्लैंड थ्रोम्बोक्सिन और लिकोट्राइन्स दीज आर इकोसानोइड विच आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ ट्वेंटी कार्बन रैक्डोनिक एसिड बीस कार्बन वाला पोली अनसेटेड एरैनिक एसेड जिसमें चार पाई बाड मौजूद होते हैं ये चार इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं दिस इज पोली अनसेड और ये इससे बनते हैं जो इकोसा हैं और फिर इकोसा जो हैं ये चेंज इस ये चेंज हो जाते हैं प्रोस्टाग्लैंड और ल्यूकोट्राइन्स में आफ्टर दे आर सिंसाइज दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल्स बाई ट्रांसपोर्टर्स एंडक्टिवेटेड कैसे बनते हैं ये हमारे पास अरेड है अरेडोनिक एसिड चेंज हो जाता है जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंड है और ये साइक्लो ऑक्सीजिनेस वन और टू और पर ऑक्सीडेस की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंड एच टू में जो प्रोस्टाग्लैंड एच टू है वो सिंथेस की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंडिन टू में और फिर सिंथेस की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू में और ये प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू में और थ्रोम्बोक्सेन थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेस जो है वो थ्रोम्बोक्सेन में चेंज हो जाता है फिर इनके फंक्शन है जो पीजी टू है ये स्मूथ मसल कंट्रेक्शन करता है और उसकी रिलैक्सेशन करता है प्लस इट इन इन इट जो प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है ये रेगुलेट करता है बोन फॉर्मेशन को और रीज ऑब्शन का प्रोसेस करता है जो है ये इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन एज एंड इज एन इफेक्टिव वेजो और जो थ्रोबोक्न है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट एंड अपर टेंसिव एजेंट है यानी हाइपर ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है

प्रोस्टाग्लैंडिंस के फंक्शंस क्या हैं ये जैसा कि देखें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये थ्रोम्बोसिस करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन वास्कुलर परमिएबिलिटी आर्टिफिशियल वेजोडाइलेशन है वेनस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है और पोटेंसी ऑफ द फेटल डक्टस आर्टेरियो आर्टेरियोसिस यानी जो फेटल डक्टस होती है उसकी uh, ये ऑटो क्लोजर जो होती है वो रुक जाती है इसके साथ साथ एस्पाइरेट्री सिस्टम में भी ये ब्रोकोडाइलेशन करते हैं और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं रीनल सिस्टम में रेगुलेट रीनल ब्लड फ्लो और इसके अलावा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रेनर रिलीज करते हैं और फिर इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रो ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी जो मेमब्रेन है उसके अक्रॉस जो है इसका प्रेशर जो है वो इस हार्मोन का प्रेशर मेंटेन रखते हैं जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है

ये पैराक्राइन मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी यहां पर इनकी जरूरत होती है उसके नियर बाय प्रोड्यूस होते हैं जबकि ये एंडोक्राइन है ये किसी और जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और वाया ब्लड आर सैप जहां पर जरूरत होती है वहां पहुंच जाते हैं जो प्रोस्टा ग्लैंड हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स जबकि ये जो हमारे पास हैं हार्मोन्स दे रेगुलेट द वेरियस दंक्शन लाइक ग्रोथ नेक्स्ट है हमारे पास टी रोल्स टी आल्सो नोन एज स्टीरॉयड अल्कोहल्स दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स प्लांट्स एंड फंजाई और इनमें सबसे जो एनिमल स्टीरोल पॉपुलर है दैट इज क्लेस्ट्रोल इनकी टाइप्स फाइटोस्टीरोल फाइटोमीन प्लांट्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं जैसा कि कैंपी स्टीरोल एंड स्टिग्मा

जो स्टीरोल होगा उसका बेसिक स्कैल्टन यही है उसमें ये रिंग्स जरूर होंगी इसके साथ साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हो सकती हैं अब एनिमल्स जो, सबसे जो है विच इज असेंशियल टू हेल्दी लाइफ इट्स प्रेजेंट इन ब्रेन नर्वस टिश्यू स्किन एंड एड्रीनल ग्लैंड इसके जो फंक्शन हैं बॉडी में डिफरेंट फंक्शन हैं नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें स्ट्रक्चर इसकी देखें इसमें वही तीन जो है वो सिक्स मेंबर रिंग है एक फाइव मेंबर रिंग है कलेस्ट्रोल अल्कोहल अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है इसके अलावा मिथाइल ग्रुप मौजूद है और फिर ये एक बड़ा सा अल्काइल ग्रुप मौजूद है ये अनसैचुरेटेड भी होता है इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट बहुत छोटा सा है एक ओ OH एच ग्रुप मौजूद है जबकि हाइड्रोफोबिक पार्ट इसका बहुत बड़ा है इट मीन इट्स इनसोलुबल इन वाटर अगर कोलेस्ट्रॉल के हम फंक्शंस देखें तो इट इज यूज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सेलब्रेन इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टीरोड हार्मोन्स एंड विटामिन डी विद इन द बॉडी इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस एसिड्स व्हिच एड द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स इन द डाइट ये बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे जो फैट्स होती है उनकी ना सिर्फ डाइजेशन होती है बल्कि एब्जॉर्प्शन भी होती है कोलेस्ट्रॉल मेनली लिवर में प्रोड्यूस होता है Uh, but it is also present in the saturated fats like meat and uh, dairy products and other many processed foods. Excess saturated fat in the diet increases blood cholesterol. Now अगर blood cholesterol ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें coronary heart diseases का risk भी बढ़ता चला जाएगा. जितना cholesterol body में बढ़ता चला जाएगा वैसे-वैसे जो arteries होती हैं उनमें plaque जमा होता रहता है. जिसकी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं उनकी हार्डनिंग जो होती है आर्टरीज की उसको कहते हैं ये जो हार्डनिंग है ये अल्टीमेटली जितनी उसकी डेपोजिशन ज्यादा होती जाएगी कोलेस्ट्रॉल की आर्टरीज उतनी ही नैरो होती जाएंगी और नैरो होने से ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट मसल्स की तरफ स्लो होता जाएगा जितना हार्ड मसल्स का जो है वो हार्ड हार्ट के मसल की तरफ इसका फ्लो स्लो होता जाएगा इट कैन काज एंजाइना चेस्ट पेन और हार्ट अटैक इफ अ ब्लड कम्प्लीटली अगर ये कम्पलीटली ब्लॉक हो जाएगा इट विल बी अट अटैक अगर उसका रेड्यूस ब्लड फ्लो होगा तो इट कैन काज एंजाइना दैट इज अ चेस्ट पेन तो ये ये एक प्लेक है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जिसकी वजह से आर्ट्रीज जो है इस प्लेक की वजह से आर्ट्रीज नैरो होकर हार्ड होती जाती हैं ये थे डी स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमारे कुछ सब टॉपिक्स जिसमें हमने लिपोप्रोटीन प्रोस्टाग्लैंड और स्टीरोल्स देखे थैंक यू वेरी मच